हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन यूट्यूब चैनल। तो मम्मी के ताप से लोग कैसे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम अम्मार, मेरा नाम है नीला। गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी रिचार्ज प्लेन्स कंपैरिजन। तो देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो नेटवर्क्स हैं वो मतलब कितने पैकेज सस्ते प्रोवाइड करते हैं, कंपैरिजन है। चले देखते हैं, पता चलेगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हम आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों ने रिसर्च की, हम टॉपिक जिस पर रिसर्च कर रहे थे वो था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर इंटरनेट डेटा चार्जेस क्या है। बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे आपको सुनकर वाकई मज़ा आएगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान के इस डेटा चार्जेस की कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना करें, और उम्मीद करते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे जिससे कोई हर्ट हो। ठीक है, तो चलिए मुस्कुराते हुए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में प्रीपेड प्लान में किस में कितना मिलता है। भारत में जो कंपनीज टेलीकॉम सर्विसेज देती हैं वो हैं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो मिलकर अब वीआई बन चुकी है, रिलायंस जियो और साथ में बीएसएनएल। वहीं पाकिस्तान में है जैज, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन और एसकॉम। शुरुआत करते हैं एक महीने की वैलिडिटी वाले प्लान से। भारत में एक महीने की वैलिडिटी वाला जो प्लान है वो हमने यूज़ किया है जियो का। इसे हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, इसलिए मैं 500 रुपये वाला प्लान उठाकर देख रहा हूँ। 500 रुपये का रिचार्ज करने पर क्या मिलता है? पाकिस्तान की जोंग कंपनी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है वो 500 रुपये वाला प्लान उसमें लिया है। जैस का 543 रुपये वाला प्लान लिया है और रिलायंस जियो का 499 रुपये वाला प्लान लिया है। सबसे पहले वैलिडिटी की बात करते हैं तो जोंग की 500 रुपये वाले प्लान की जो वैलिडिटी है वो है 1 महीना, जैस के प्लान की वैलिडिटी है 1 महीना और जियो की वैलिडिटी है 28 दिन। अब डाटा की बात करते हैं, डाटा किस में कितना मिलता है। चाइनीज़ कंपनी जोंग पाकिस्तान में दे रही है 2.5 GB डाटा, और जैज दे रही है 4 GB डाटा, और जियो दे रही है 2 GB पर डे, यानी 56 GB टोटल। और जब ये डाटा ख़त्म हो जाएगा तब भी आप डाटा यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। कॉल टाइम, अब कॉल टाइम किस में कितना मिलता है, तो चाइनीज़ कंपनी जोंग पाकिस्तान में देती है अनलिमिटेड जोंग मिनट्स, यानी जहां तक मेरा ख्याल है जोंग टू जोंग कॉल करने पर कोई लिमिट नहीं, लेकिन अदर नेटवर्क पर अगर आप कॉल करते हैं तो 250 मिनट पर आप कॉल कर सकते हैं, 250 मिनट। जैज दे रही है 10,000 जैज मिनट्स, यानी कि ये भी मेरे ख्याल से वही जैज टू जैज 10,000 मिनट्स आप कॉल कर सकते हैं। 333 मिनट्स आपको वीकडेज पर मिलेंगे, संडे को अनलिमिटेड है, और अदर नेटवर्क पर 100 मिनट तक कॉल कर सकते हैं। और भारत में जियो दे रहा है अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, जिसकी वजह है जियो की VLTE टेक्नोलॉजी और कंपटीशन की वजह से दूसरे लोगों ने भी कॉल्स सस्ती कर दी थी। SMS की बात करें तो पाकिस्तान में जोंग दे रहा है अनलिमिटेड SMS, जैस दे रहा है 2500 SMS, भारत में जियो दे रहा है 100 SMS पर डे, यानी टोटल 2800 SMS। साथ ही भारत में जियो आपको देता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की 1 साल की मोबाइल सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो की दूसरी ऐप्स की सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में रिचार्ज प्लान के इतने बड़े अंतर की सबसे बड़ी वजह है जियो की एंट्री। इसके बाद से ही प्लान में इतना बड़ा परिवर्तन आया, और भारत में टेलीकॉम कंपनीज की सर्विसेज और कीमतों में जो परिवर्तन आया उसकी काफ़ी समय तक दूसरी कंपनीज को ये समझ नहीं आया कि वो उपभोक्ताओं को क्या सेवा प्रदान करें, कीमत कितनी कम करें और कैसे करें। यहाँ पाकिस्तान के कुछ प्लान्स में मुझे बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली, और वो ये कि आपको कुछ पैक्स में व्हाट्सएप डाटा पैक मिलता है अलग से, यानी कि आपको एक डाटा लिमिट मिलती है जिसे आप सिर्फ व्हाट्सएप पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जानकारी मुझे बड़ी रोचक लगी और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको भी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें, और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। तो फाइनली गाइस यहां पे वीडियो हो गया एंड। तो अम्मा जी देखें, अब
पैकेज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे है, इस बात में तो कोई शक नहीं। बिल्कुल जी, अब इंडिया की जो नेटवर्क है जियो, उसके बारे में बात करते हैं, तो अपनी बिल्कुल भाई कह रहे थे कि मतलब 5 रुपए का जो मंथली पैकेज आता है 28 दिन का, टोटल बिल्कुल आप मंथली कर रहे हैं 56 GB मिलता है, और पर हाँ डे आपको 2 GB मिलता है, जो कि दो बहुत जी बड़ी अमाउंट है। अच्छा बहुत बड़ी ज्यादा है वो ही आप लोग हाँ, इस्तेमाल करते हैं, दो लेकिन जी मुझे पी रोज का मा इतना बहुत नहीं बड़ी पता चीज ना। है यार, इतना अच्छा क्या बंदा करेगा, यूट्यूब वगैरह बिल्कुल वीडियोस वगैरह करो, नॉर्मल इतनी यूसेज वगैरह ही होती है अगर इस्तेमाल किया जाए तो। कॉल इस पे देखा जाए इसी पैकेज के अंदर आपको मतलब अनलिमिटेड कॉल मिल जाती है, बिल्कुल मतलब जियो टू जियो आई थिंक सो। और अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पर 500 का जो पैकेज आता है उसके अंदर आपको खाली 2.5-3 GB मिल रहा है, और कॉल पैकेजेस अनलिमिटेड, और पता नहीं दूसरा अनदर नेटवर्क पे पता नहीं 300 को जिसी तरह ढाई मिल सौ रहा है। कुछ 300 ढाई हाँ सौ का बता रहे थे ना, हाँ ढाई तो सौ के मिनट ये आपको मिल ना, रहे हैं तो ना। इधर जो सबसे महंगे वाला जो इंटरनेट वाला पैकेज है, ये जो भाई पैकेज बता रहे थे आई थिंक सो, ये कॉल वालों के लिए पैकेज लग रहा था हाँ ये हाँ ज़्यादातर बिल्कुल कॉल वाले, ये इंटरनेट वाला पैकेज नहीं था। जो मंथली अभी इधर आ रहा है वो तकरीबन 2600 का है, कुछ 2500 का जोंग का, जो अच्छा नेटवर्क है सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है जोंग का, बिल्कुल 2500 का तकरीबन यहाँ पे मिलता है 200 GB, दो सौ अच्छा जी अच्छा पी वो दो आप सौ जीबी मिलता है पाकिस्तान में 200-2500, और अच्छा। यहाँ पे अंदाजा लगा यहाँ पे कितना महंगा है, 2500 रुपये यहाँ बहुत ज्यादा महंगे हैं महंगे ना ना। आपको पैकेज, देखें दिन पाँच पे सौ दिन टैक्स लग रहे हैं, लेकिन पैकेज हुई बात है, पैकेज तो महंगे होंगे, आप पर देखें, टैक्स बहुत लग गए हैं आप ना, जियो सबसे की बड़ी सिम बात है है। वो 500 रुपये का पैकेज है आपको पर डे, आप देखें 2-2 GB है, 56 GB है, जो कि बहुत है यार। इसने बंदा अच्छा भला चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है एक दिन का, अगर बिल्कुल आपको 2 GB वगैरह मिलता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो पैकेजेस यार बहुत महंगे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं, जो हमारे यहाँ गरीब जो बंदा सारे है पैकेज हैं वो सारी महंगे हैं वही नदीम। ना, आप चाहे जो माल जैस के जो उठा लो पहले जो ज्यादा लोग लगाता था सस्ते थे, लेकिन अब दिन ब दिन जैसे टैक्स लगते जा रहे हैं, महंगाई ज्यादा होती जा रही है, कंपनीज तो ना बस बहुत महंगे आवाम हैं को लूट ना। रही है अम्मा जी, बिल्कुल ये वो बात तो चाइनीज है ना कंपनीज मार, है, ये जोंग की बात चाइनीज कंपनीज है, ये जोंग जैस बिल्कुल टेलीनॉर सारे बाहर के हैं, बिल्कुल लूटते हैं फिर जारी बात है। जर उन्होंने तो फिर ढूंढना है नेटवर्क ना। जिसका सही ठीक है वो तो जोंग का ही है ज्यादातर, जैस का भी बस बिल्कुल ठीक है, टेलीनॉर का तो बिल्कुल ही आते ही कहीं नहीं है, बिल्कुल वो तो और नहीं यू आता फोन ना, वगैरह का ये भी जरा हमारे एरिया में इतना कोई खास नहीं है, बिल्कुल। सिग्नल आते जाते हैं, जोंग के भी कभी कभार ड्रॉप हो जाते हैं, कॉल बंदा जोन करता का है तो असल ड्रॉप मसला हो जाते ये है ना हैं। कि लोडिंग बहुत ज्यादा होगी जोन पे, लोग यूजर बहुत ज्यादा होगी, यूजिंग मजी ज्यादा यूजर होगी, से मां ये कुछ नहीं होता, यूजर बिल्कुल बहुत कुछ नहीं है, अपना नेटवर्क मेंटेनेंस इनको रखना चाहिए। बिल्कुल सर्विस सही हाँ नहीं देते ना, वही अगर ना सर्विस मसला सही है, होती तो मतलब यूजर सही बेचारे कितने आता, बढ़ जाए। अब बाहर वही जैसे ना। और कंट्री अमेरिका वगैरह उठा के देख लो, ये तो इंडिया है, देख लो, ये वहाँ पे कंपनियों वालों का सिंगल की काम है ना, स्ट्रेंथ मास अच्छी ज्यादा होती से ज्यादा ख्याल रखें, है, लेकिन कंपनियों वाले कहाँ ख्याल रखते, कोई भी नहीं रखते, वही ना। लोग पीटते रहते हैं, सिग्नल सही आते नहीं, नेट काम नहीं करता, क्या करे, लोग मजबूर है बस पीटता है, और क्या करे, और तो यही तो कुछ कर नहीं बात है ना, सकता। इंडिया में वहाँ जो के है कि लोग जो भी चीजें पैकेज वैकेज जो भी है, लेकिन ये वहाँ पे मतलब नेट जो है काम तो सही करता होगा, सस्ता सर्विस भी है, सस्ता भी है, और स्पीड भी अच्छी देते स्पीड होंगे, भी स्पीड अच्छी अच्छे देती खास, होंगी, और सर्विस मतलब वहाँ सही काम करती है ना, वही सबसे ना, बड़ी बात यही तो ये बात है। है ना, मैं तो हैरान हो इधर गया तो था, मतलब सर्विस सही काम करती ही मैं नहीं तो है। मजी हैरान हो गया पैकेज देख के, कि मतलब इतने सस्ते पैकेज वहाँ के यहाँ की नस्बत, वहाँ बिल्कुल के लोग तो मतलब 500 रुपए में पूरा महीना देखें कितना आसानी से गुजारा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जबकि भाई, यहाँ यहाँ पे तो देखो बहुत ना महंगे हैं। जोंग की सिम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग लगाते भी बिल्कुल बीच में, अब जो गरीब लोग हैं वो तो मतलब लगा ही नहीं सकते, जारी बात जाहिर है, वो है, कैसे लगाए, हमारे जारी इतने महंगे बात, लोगों खाने के लाले पड़े हो तो पैकेज लोग कहाँ से लगाए, यही तो ये बात जो है लोग वहाँ मजबूरी से पे, लगा दे उनकी मजबूरी, उन्होंने तो वहाँ पे लगाना तो ही है, बिल्कुल जिन्होंने अक्सर नेट का काम करना होता है, और भी लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं तो इसी जरिए लोग हल करते हैं, तो यही वो बात। मजबूरी है, तो उन्होंने गाइस आप लगाना लोगों है। के ओपिनियंस इस बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।